नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। सहयोग एक बहुत महंगी चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के अमीर होते हैं। सबको इकट्ठा करने की ताकत प्रेम में है और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में है। कभी भी मन में भ्रम ना पाले। दुखी इंसान का सबसे अच्छा मित्र है। जब तक साथ रहता है तो बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़ कर जाता है तो सुख देकर जाता है। शरीर की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। जिस दिन चिता पर चढ़ गया, समझ लो घंटे भर में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अपने सुंदर शरीर पर ज्यादा मत करना, क्योंकि जिस दिन शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाएगी, तो तुम्हारे अपने ही लोग शरीर को बिस्तर से नीचे उतार देंगे, कमरे से चौक में ला कर रख देंगे। अरे क्या बिगड़ जाता एक बिस्तर चला जाता तो। जो अपनी जिंदगी भर की कमाई छोड़ कर जा रहा है, मगर नहीं, दुनिया का रिवाज है, साथ कुछ नहीं जाता है सिवाय पुण्य पाप के। ये सात चीजें कर ली तो अपनों से अलग हो जाओगे। खुद पर विश्वास करना सीख लो। ये फालतू की सलाह लेना बंद करो। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। ज्यादा मत सोचो। अपना अगला कदम किसी को ना बताओ। हमेशा सीखते रहो। सफल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देता है। प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे सब चाहते हैं और तुझसे नफरत क्यों करते हैं? तो मृत्यु ने कहा, तुम्हें छल है और मैं सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। अमीरों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती, गरीब के चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कुराहट किसी की गुलाम नहीं होती। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। जैसे नींबू को किस बूंदे दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्तों को अलग कर देता है। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम किसमें क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। विश्वास पेड़ की तरफ बढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने के लिए आंधी का एक तेज झोंका ही काफी है। अगर हृदय में झांकना तुम सीख लो, तो हृदय की जो सुंदर गहराई है वह तुम्हें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। इंसान की जिंदगी में तीन चीजें बहुत उलझी होती है, दिल, दिमाग, तकदीर। दिल को चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर चाहता है। कामयाब इंसान की सिर्फ चमक ही लोगों को दिखाई देती है, यह कोई नहीं जानता कि उसने कितनी अंधेरे देखे हैं। बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सिखाता भी है। मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है कि इतनी ठोकरों के बाद भी यह सीधा कैसे चलता है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी मंजिल, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में, दूसरों के खाली में बस घी ज्यादा दिखाई देता है। अगर एक टेबल पर सबको अपने दुख रखकर बदलने का विकल्प दिया जाए, तो लोग चुपचाप अपने दुख उठाकर चल देंगे। अजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर भी चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तो समझ लेना जीना आ गया। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो साग से टूटा नहीं करते।
शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों के शब्दों में, बात करते हैं तो मन ही खरीद लेते हैं। बस हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। इंसान अपने खुद का शुगर तो चेक करवाता है, अगर अपनी जवान की करवाहट भी चेक करवा ले तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।